अस्सलाम वालेकुम। पिछले तीन साल पहले जो सेंट्रल में जीत कर आई हुई बीजेपी सरकार जो अपने आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने में, इम्प्लीमेंट करने में धीरे 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 जो है आगे बढ़ रही है, उसके एजेंडे को, आरएसएस के संघ परिवार के एजेंडे को हमारा देश का एक एजेंडा बनाकर, हमारा देश ही एक आरएसएस का एक सोच में चलने वाला देश बनकर बनाने के लिए जो भी उनके खिलाफ बात करने वाले संगठन है या जो भी उनके खिलाफ खड़ने वाले व्यक्ति है उनको अलग अलग नामों पर टारगेट करना और उनको जो है उनको ख़त्म करना, ये इनका एक तरीका बनकर आ गया है। और वैसे ही जो एनजीओस, जो एक्टिविस्ट लोग थे, जो सोशलिस्ट थे, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, उनके फंड्स पे झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको टारगेट किए, और उसके बाद ऐसे ही जो है डॉक्टर जाकिर नायक पे टारगेट किया गया, और ऐसे ही जो है कर्नाटक में हाल में जो है गौरी लंकेश को जो है कत्ल किया गया। तो पूरा जो डिसेंट है, जो आवाज़ इनके खिलाफ है, उनको ख़त्म करने की एक साजिश है इनकी। और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको भी टारगेट करके, उनको भी जो है हाल ही में बिहार का गवर्नमेंट को तक ये लोग जो है ख़त्म करके ये इनके तरफ ये गवर्नमेंट को ला लिए। ऐसे ही जो है हम लोग गोवा में देख सकते हैं, एक इलेक्टेड मेजॉरिटी कांग्रेस को जो है गवर्नमेंट में नहीं आने दिए, उनके गवर्नर को इस्तेमाल करके। तमिलनाडु में जो है AIADMK को ख़त्म करके उसको BJP बना लिए। तो ऐसा पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख सकते हैं कि दे वांट टू क्रिएट एन इंडिया विच इज अपोजिशन फ्री एंड दे वांट टू क्रिएट ए डिसेंट फ्री इंडिया। कोई इनके खिलाफ बात नहीं करेगा, इनका ही एजेंडा जो है नाफिस होता रहेगा और सिर्फ इनकी तारीफ करते रहेंगे और इनका इवेंट का इनका जो है तारीफें चलते रहेगा। ऐसा एक माहौल जो हमारे देश में बन गया है, तो उसी का एक आगे बढ़ते हुए अभी जो है ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट करने शुरू किए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ये लोग क्यों टारगेट करते हैं? एक सिस्टमैटिकली दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, कुचले गए तबकात के लिए, आदिवासियों के लिए बात करने वाली, लड़ने वाली, डेमोक्रेटिक एजिटेशन करने वाली, स्ट्रगल्स करने वाली एक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इसको किसी भी तरीके से इसको बदनाम करना और गवर्नमेंट के जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस है जैसा NIA है उसका गलत प्रयोग करके, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, उसके ऑफिसर्स को जो है चेंज करके, इनकी सोच रखने वाले लोगों को उसमें लाकर एक स्टोरी जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये लोग बनाए हैं। और इसमें जो है चंद लोकल इंसिडेंट्स में जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कैसे भी कनेक्ट करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। तो चाहे वो केरला का इंसिडेंट हो या चाहे वो कर्नाटक का इंसिडेंट हो, इसमें कोर्ट्स टाइम एंड अगेन आकर हाईकोर्ट के इसको क्लैरिफाई किया है, हाईकोर्ट के जजमेंट्स इसमें क्लियर कह रहे हैं कि इसमें और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कोई लेना देना नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। मगर ये लोग पॉलिटिकल प्रेशर डाल के इंस्टीट्यूशंस को और चंद मीडिया हाउसेस को अपने इसमें शिकंजे में लाकर ये लोग जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक के पॉपुलर फ्रंट जैसा एक इतना बड़ा एक पीपल मूवमेंट को जो है बैन करने की तक ये लोग साजिश कर रहे हैं। और करने वाले कौन है? खुद तीन बार बैन हुए लोग हैं, खुद तीन बार जो है देश के शिकंजों में आए हुए लोग हैं। इनके बारे में देश के दलित जानते हैं, जिनके बारे में देश के ईसाई, देश के मुसलमान और देश के जो सेक्युलर प्रोग्रेसिव लोग जानते हैं, जिसका हाथ जो है गांधी से गौरी का कत्ल तक है, और वो लोग जो है हमारा नाम को बदनाम करने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फैसला लिया है कि हम लोग जो है ये साजिश को पब्लिक के दरमियान में हम लोग लेकर जाएंगे, अवाम के दरमियान में, देश के दरमियान में हम लोग लेकर जाएंगे। तो हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं पूरे देश में कि इसका नाम है वी ऑल्सो हैव समथिंग टू से, हमें भी कुछ कहना है इस झूठ के, इस झूठे प्रोपोगंडा के दरमियान में सच क्या है, इसका एक कैंपेन हम लोग करेंगे। वो कैंपेन पूरा देश में चलेगा। हम लोग हैंडबिल कैंपेन, पोस्टर कैंपेन, ड्रामास, पब्लिक प्रोग्राम्स और नेशनल लेवल बड़े बड़े जो है बृहद पब्लिक प्रोग्राम हम लोग करेंगे। उसमें हजारों के और लाखों में पब्लिक आएगा और उसमें हमारा हक क्या है, सच्चाई क्या है और हमारा देश को कौन से आग में ये लोग ढकलने की साजिश कर रहे हैं, ये सब हम लोग रखेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है वी ऑल्सो हैव समथिंग टू से, इसका एक प्रोग्राम बेंगलुरु में होने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी फैमिली, आपके आसपास में रहने वाले दलित, ईसाई, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव लोग सब मिलकर आकर उधर हम लोग ये संघ परिवार की साजिश के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो साजिश है हमारे देश में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इस प्रोग्राम में जुड़ो, आप इस मुहिम में जुड़ो और इस प्रोग्राम में आकर ये मुहिम को आप लोग मजबूत करो। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच।